बिहार में शराबबंदी और प्रशासनिक दबाव के बाद शराब तस्कर नए नए तरीका अपनाकर शराब तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिससे उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस कर्मियों को चकमा दिया जा सके। इसी तरह का एक मामला शुक्रवार की देर रात मांझी चेक पोस्ट से पकड़ा गया है, जहां तस्करों द्वारा एम्बुलेंस का सहारा लेकर शराब की तस्करी की जा रही थी। देर रात मांझी चेक पोस्ट पर CCTV और हैंडहेल्ड स्कैनर के माध्यम से शराब के खेप को जब्त किया गया है। एम्बुलेंस में विशेष तहखाना बनाकर शराब को छिपाकर लाया जा रहा था। शराब तस्करों द्वारा पुलिस और उत्पाद विभाग को भ्रमित करने के लिए एम्बुलेंस में शव ढोने वाले सभी तरह के इक्विपमेंट्स को रखा गया था। एम्बुलेंस का दरवाजा खोलते डेथ बॉडी पैकिंग करने वाले सभी सामान को ऐसे सजाकर रखा गया था मानो शव को एम्बुलेंस में रखा गया हो। मांझी चेक पोस्ट पर देर रात राजस्थान नंबर का एम्बुलेंस देखे जाने के बाद पुलिसकर्मी सक्रिय होकर रोके तो एम्बुलेंस चालक भ्रमित करने के लिए शव लेकर आने की बात बताई, लेकिन हाव भाव और एम्बुलेंस को देखकर गहनता से जांच किया गया तो एम्बुलेंस में छत में विशेष तहखाना बनाकर शराब छिपाया गया था। विशेष रूप से बनाया गया तहखाना में 85 कार्टून विदेशी महंगा शराब छिपाकर रखा गया था, जिसका बाजार मूल्य 15 लाख के आसपास आंकलन किया गया है। इस संबंध में उत्पाद विभाग के जो अधीक्षक रजनीश कुमार है, उन्होंने क्या कुछ बताया, आप खुद ही सुनिए। अच्छा, इसको कटवाना पड़ेगा, उसमें नहीं ऊपर से खोलने वाला दिखे। हाँ। तो ऊपर से तेरा भी ऊपर चढ़ के दिखे, थोड़ा चढ़िए तो खोलने वाला था। हाँ, चाह रुकिए ना महाराज, कहाँ है वो तो उधर, ये लखनऊ में, उधर ये लखनऊ में, लखनऊ तक तुम्हारे साथ आया था। उसके बाद लखनऊ में गाड़ी मिली है, नाम वगैरह कुछ पता है? विक्रम ठाकुर, वो लखनऊ तक तुम्हारे साथ आया था? लखनऊ में गाड़ी मिली जनाब जी, मैं कार से आया था। कार से तू आया? ड्राइवर कौन था? दूसरा ड्राइवर था, दूसरा ड्राइवर मैंने वहाँ से, वहाँ तक का तुम्हारा बुकिंग था। कॉन्टैक्ट कैसे करता? कॉन्टैक्ट फोन नंबर है तुम्हारा? उसका है नंबर विक्रम ठाकुर का? ये मुहर्रम पर्व को देखते हुए जिला पदाधिकारी के आदेश पर लगातार पूरे जिले में वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। उसी मांझी चेक पोस्ट पर एक एम्बुलेंस को हम लोगों ने पकड़ा। जब ड्राइवर से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वो डेड बॉडी को डिस्पोज करके आ रहा है। फिर हम लोग जब गहन तलाशी ली गई एम्बुलेंस की और स्कैनर से स्कैन कराया गया तो उसके छत पर बॉक्स बना हुआ था जिसमें बोतल नुमा नज़र आया, तो उसको हम लोगों ने जब खोला तो उसमें विदेशी शराब बरामद हुआ। इसमें करीब 72 कार्टन विदेशी शराब का बरामद हुआ है और इसको हम लोग आगे विधि सम्मत कार्रवाई के लिए दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किए हैं। कितना बाजार मूल्य है इसका? इसका बाजार मूल्य करीब 15 लाख के आसपास।